हल्द्वानी में बेस अस्पताल के ठीक सामने पटेल चौक में बना रहे अवैध निर्माण पर नगर निगम द्वारा शिकंजा कसा गया। बता दें कि एक दिन पूर्व ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के निरीक्षण के दौरान बेस अस्पताल के सामने पटेल चौक में छत पर अवैध निर्माण करते हुए देखा था, जिसे उन्होंने एक दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए थे। वहीं निर्माण कार्य कर रहे भवन स्वामी ने जब निर्माण नहीं हटाया तो रविवार को मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा टीम सहित मौके पर पहुंचे और उन्होंने अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने बताया कि जहां जहां अवैध अतिक्रमण होगा वहां वहां तत्काल कार्रवाई होगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज रविवार का दिन है और आज भी हमारे पास शिकायत आई है और हमारी टीम मौके पर है अतिक्रमण को हटाने के लिए। बिना अनुमति का निर्माण कार्य जारी था, नगर निगम की अनुमति नहीं है इनके पास, इसलिए इसको हटवाया जा रहा है और ये मुहिम चलती रहेगी चाहे रविवार का दिन हो चाहे शनिवार का दिन हो। और भी जो अतिक्रमण हैं उनको भी हटाने की कार्रवाई आज की जाएगी। पूर्व में माननीय आयुक्त महोदय द्वारा भी निरीक्षण किए गए हैं, उनके द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि कहीं पर भी यदि कोई राइट ऑफ वे में कोई अतिक्रमण करता है उसको भी समय समय पर हटाया जाए और यदि कोई अनाधिकृत निर्माण कर रहा है तो उसमें प्राधिकरण, नगर निगम और प्रशासन संयुक्त कार्रवाई करिए, कार्रवाई जारी रहेगी।